अब ये भी सुन लो कि यार मनोज भाई ने क्या बोला है, उनकी अर्निंग जो है कितनी है, मनोज भाई ने खुद बोला है, तो यार ये चीज भी सुन ले। 6 लाख रुपए की उनकी अर्निंग है और भाई यार क्या बोलते हैं 5 से 6 लाख रुपए। गाइज वेलकम बैक टू माय डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल। तो गाइज अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो यार आप लोग का जो फेवरेट यूट्यूबर होगा वो जब ब्रांड प्रमोशंस करता है या फिर उसकी वीडियोस के अंदर एड्स आते हैं तो यार आप लोग के मन में जो है एक सवाल 100% आता होगा कि यार भाई ये यूट्यूबर कितने रुपये कमा लेता है एक महीने के अंदर या फिर कितने रुपये छापता है एक महीने के अंदर। तो यार ये सवाल जो है हमेशा आपके मन में आता होगा। यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यार वन ऑफ द बिगेस्ट टेक यूट्यूबर जो हमारे हैं मनोज दे, उनकी अर्निंग कितनी है, वो मंथली कितने रुपए छाप लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या भाई हम यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकते हैं, अगर हम फ्यूचर में ग्रो हो गए तो क्या हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि भाई हम मैं अपना मतलब खुद का एक घर खड़ा कर सकता हूँ या फिर अपनी एक ड्रीम कार खरीद सकता हूँ या फिर बाइक खरीद सकता हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब पे ग्रो हो जाते हो, अर्निंग कर भी लेते हो तो भी गाइस आप लोग की कितनी अर्निंग बन जाती है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, यूट्यूब के अर्निंग के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यार अगर आप लोग भी जानना चाहते हो मनोज भाई की अर्निंग या फिर आप जानना चाहते हो अर्निंग की सारे रिलेटेड चीज़ें तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप करें, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो यार अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, नॉलेजेबल लगती है तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर रहना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो यार चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि बनाते हैं कि भाई इसकी अर्निंग उसकी अर्निंग और फिर वो करते हैं socialblade.com पे जाते हैं एंड आप लोगों को अर्निंग शो कर देते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई भी यूट्यूबर अगर सोशल ब्लेड से आपको अर्निंग बता रहा है तो वो एकदम गलत है, एकदम गलत अर्निंग बता रहा है। क्योंकि यार देखो सोशल ब्लेड पे होता ऐसा है कि वो एक एस्टिमेटेड अर्निंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम $70 से $100 बता रहे हैं मंथली अर्निंग किसी बंदे की, तो यार वो $17 जो होंगे वो किस हिसाब से होंगे आपको पता, आपको हंसी आएगी भाई ये चीज सुन के कि 250 व्यूज पर $1। भाई YouTube की पूरी हिस्ट्री निकाल लो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 250 व्यूज पे किसी को $1 मिल गया हो, ठीक है। तो अरे ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। और यार जो दूसरा वाला होता है जैसे $17 पर 250 व्यूज पे $1 होता है और जो यार यहाँ पर $100 है वो होता है 4000 व्यूज पर $1। तो भाई इतने ज्यादा बहुत ही ज्यादा कम लोगों का होता है कि 4000 व्यूज पे $1, नॉर्मली लोगों के 2.5 से 3000 व्यूज पर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये मतलब बेकार चीज़ है, आप सोशल ब्लेड पे मतलब भरोसा मत करना अगर कोई भी आपको सोशल ब्लेड के माध्यम से अर्निंग बता रहा है। बट गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा गाइस कि कैसे यार यहाँ पर मनोज भाई की जो है अर्निंग है, सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मनोज भाई की क्या अर्निंग है, अर्निंग के फैक्टर्स क्या है, अगर आप किसी यूट्यूबर को पसंद करते हो उसकी अर्निंग आप कैसे निकाल सकते हो घर बैठे बैठे। तो यार चलो आप वीडियो को यहाँ से जो है कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मनोज भाई के जो व्यूज हैं वो एवरेज मान लीजिए 1 लाख व्यूज आते हैं उनके, ठीक है 1 लाख+ व्यूज आते हैं। तो यार 1 लाख व्यूज में से कम भी होते रहते हैं, कभी बढ़ते भी रहते हैं, तो ये चीज रहती है। तो एवरेज हम 1 लाख व्यूज मान लेते हैं। और क्या जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर जो है फेस्टिव सीजन रहता है तो इस समय गाइस 1.5 से 2000 व्यूज पर भी $1 बन जाता है। तो अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेके चलता हूँ एंड आपको सारी चीजें बताता हूँ, सारी चीजें कैलकुलेट करके बताऊंगा आपके सामने प्रूफ के साथ। तो मनोज भाई ने भी ये चीज बोली है कि उनकी अर्निंग कितनी है। तो यार चलो अब यहां से आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं, कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो यार देखो यार यहाँ पर अब देख सकते हैं आप लोग कि 1 लाख व्यूज में यहाँ पर लिख देता हूँ जो मनोज भाई की एवरेज व्यूज है। अब गाइस यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम उनके जो है मतलब 1.5 हज़ार व्यूज पर $1 बनता है, तो 1.5 हज़ार से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो यार करीब करीब यहाँ पर बन जाता है 66.66 बन जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 66.66, ठीक है। एक मतलब जो है उनको एक वीडियो बनाने के $66.66 जो है मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उनको डॉलर को रुपीज में करते हैं, ठीक है। तो $1 की कीमत कितनी होती है 73.66, तो यार इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो यार देख सकते हो करीब करीब 4,910 रुपये बनते हैं। तो अप्रॉक्स मान लो यार 5,000 रुपए उनके बन जाते हैं एक वीडियो के, 5,000 रुपए उनको एक वीडियो के मिलते हैं। अब ये घटता रहता है और बढ़ता भी रहता है, हो सकता है कुछ कुछ वीडियो का उनका टॉपिक अच्छा हो या फिर कुछ कुछ वीडियो में उनकी किस्मत अच्छी होती है, 6 से 7,000 रुपए उनको एक वीडियो के भी मिल जाते हैं कभी कभी। देखो बात यहाँ पे आती है कि वो एक महीने में हर दिन वीडियो अपलोड नहीं करते, कभी कभी गैप भी लेते हैं, तो 30 दिन में मान सकते हो आप लोग करीब करीब 28 वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो यार 5,000 को हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं गाइस 28 से, तो करीब करीब गाइस 1,40,000 रुपए बन रहे हैं। तो इसको हम मतलब मान लेते हैं गाइस करीब करीब 1.5 लाख रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब इसमें थोड़ी सी अर्निंग घटती बढ़ती रहती है तो 1.5 लाख रुपए गाइस उनके एक
एक मनोज दे चैनल से एडसेंस से होती है गाइस। अभी मनोज दे व्लॉग्स भी है और ब्रांड प्रमोशंस भी है, मैं आपको भी दिखाता हूं। गाइस जो मनोज भाई है वो गाइस इंटीग्रेटेड वीडियो के चैनल के 30 से 40 सेकंड के बोलने के 40,000 रुपए चार्ज करते हैं। जी हां गाइस, आप लोग शॉक हो गए होंगे मुझे पता है, ठीक है। तो 40,000 रुपए से 30 से 40 सेकंड बोलने के, अब गाइस देखो, अब वो एक जो है इंटीग्रेटेड तो कर ही लेते हैं, कभी कभी दो भी कर लेते हैं, लेकिन हम एक ही मान के चलेंगे और दो वो डेडिकेटेड कर लेते हैं एक महीने के अंदर, ये उनका हर महीने का रहता जाता है। तो देखो गाइस मेरे हिसाब से डेडिकेटेड का वो 70,000 से 80,000 रुपए ले लेते होंगे, तो हम 75,000 रुपए मान के चलेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो का। तो देखो यार 75,000 रुपए वो एक डेडिकेटेड वीडियो के लेते हैं, तो दो वीडियो का हो गया गाइस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए एडसेंस की, 1.5 लाख रुपए दो डेडिकेटेड वीडियो की, और गाइस यहां पर वो ले लेते हैं करीब करीब 40,000 रुपए जो है गाइस 1,90,000 रुपए हो जाएगा, 40,000 रुपए डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड वीडियो के लेते हैं। तो 1,90,000 रुपए सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से लेते हैं, वो भी इतनी कम स्पॉन्सरशिप पर, ठीक है। तो 1,90,000 तो कभी कभी घटता और घटता भी रहता होगा, 2 लाख रुपए भी चला जाता होगा कभी, तो मोटा मोटा हम लोग यार मान सकते हैं यहां पर कि करीब करीब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि 1.5 लाख रुपए गाइस उनके आते हैं एडसेंस के, और 1 लाख गाइस 90,000 आते हैं उनके ब्रांड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप के। तो 3,40,000 रुपए जो है उनके आते होंगे, मतलब मनोज दे चैनल के सिर्फ मेन जो मेन चैनल उनका मनोज दे वाला, उससे 3,40,000 रुपए आते होंगे। मनोज दे व्लॉग्स पर भी व्यूज की कमी नहीं है, और ऊपर से गाइस जो मनोज दे चैनल है उसमें गाइस जो पुराने वीडियोस होंगे गाइस उससे भी अर्निंग हो रही होगी, मतलब जो एवरग्रीन वीडियो उनकी पुरानी वीडियो चल रही होगी उससे भी तो गाइस अर्निंग हो रही होगी ना। तो वो भी मिलाकर हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए लिया था, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखो 3,40,000 रुपए हैं, तो यही समझ लो कि 3.5 लाख रुपए वो कमा लेते हैं मनोज दे चैनल से। और गाइस अब मनोज दे व्लॉग चैनल भी है, एफिलिएट अर्निंग भी है, तो आप समझ सकते हो कि करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए उनका बैठ जाता होगा, क्योंकि देखो मनोज दे व्लॉग्स पर भी 60,000 से मतलब 1 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं आराम से, 80,000 से 1 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं, कभी कभी पे ज्यादा भी आ जाते हैं। तो यही चीज होती है कि यार उनके मतलब समझ लीजिए 1 लाख रुपए मनोज दे व्लॉग्स से 1 लाख से 60,000 से 1 लाख रुपए तो आ ही जाते होंगे गाइस मनोज दे व्लॉग्स से। 1,000 रुपए भी लेके चले तो गाइस 4 लाख रुपए तक तो आ ही जाते हैं गाइस उनके, 4 लाख रुपए टोटल मनोज दे व्लॉग्स मिलाकर। मनोज दे व्लॉग्स पर वो 1 से 2 इंटीग्रेटेड कर लेते हैं, तो यार वहां पे भी थोड़ा पैसा बन जाता है, तो समझ लो यार 5 से 6 लाख रुपए की उनकी अर्निंग है। और भाई यार क्या बोलते हैं 5 से 6 लाख रुपए, तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई YouTube पे चैनल क्रिएट करते हैं, तो YouTube पे चैनल क्रिएट करो भाई, मोनेटाइज करो अपना चैनल, ग्रो कैसे करना है इसके ऊपर मैंने बहुत सारी टिप्स दे रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ प्लेलिस्ट को जरूर से जाकर देखना, जरूर से वहां पे जो मैंने वीडियोस ऐड करी उनको देखने का मतलब आपको मजा आ जाएगी यार, आपका चैनल थोड़ा सा बूस्ट होने की कोशिश होगी आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मनोज भाई की अर्निंग कितनी है, और सब ये भी सुन लो कि यार मनोज भाई ने क्या बोला है, उनकी अर्निंग जो है कितनी है, मनोज भाई ने खुद बोला है, तो यार ये चीज भी सुन ले। का है लास्ट मंथ तो अर्निंग काफी बढ़ चुका है, अभी 1,500-2,000 व्यूज पे ही $1 बन जाता है, तो मंथली आप समझ सकते हैं अभी $2,000 मेरा अर्निंग हो रहा है, 2,000 क्लियर बोल दिया, कभी नहीं बोलता किसी भी। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि मनोज भाई ने खुद बोला है कि यार उनकी अर्निंग कितनी होती है, और $2,000 होता है यार करीब करीब यहाँ पर 1,45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी, अभी सारा कैलकुलेट करके भी बताया कि आप लोग अपने किसी और यूट्यूबर का भी निकाल सकते हो, तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि यार आप लोग बहुत ही ज्यादा सही व्यक्ति हो, क्योंकि यार आप लोगों को कुछ सीखना था तब आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, और आप बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और भी अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स या फिर जो लोग यूट्यूब को देखते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यार यहाँ पर अब वो लोग भी निकाल सकते हैं उनके फेवरेट यूट्यूबर की अर्निंग। तो यार आज की वीडियो बस इतना है, मैं मिलते किसी नेक्स्ट सैटरडे वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।